नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। गाजियाबाद में बैंक में लगी आग, मैनेजर का कैबिन पूरा जला, ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट पहनकर घुस पाए फायर फाइटर्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन, भूपेन चौधरी बोले पूर्वांचल में नए सिरे से मजबूत करेंगे संगठन। भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच झड़प, झांसी में एक सड़क के दो टेंडर को लेकर हुआ विवाद, मंत्री संजय निषाद का कर रहे थे इंतजार। वायु प्रदूषण में 3 फैक्ट्रियों पर 9 लाख जुर्माना, मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी किनारे उद्योगों की जा रही प्रदूषण जांच। नोएडा में फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, पीछे एक शख्स व्हील चेयर पर बैठा था, ट्वीट कर लोगों ने कार्रवाई की मांग। जिन्होंने शोरूम बनाया उन्हीं ने उद्घाटन किया, गोरखपुर में फीता काट कर शोरूम की ओपनिंग मजदूरों के बच्चों ने किया। संबल में दुल्हन प्रेमी संग हुई फरार, 3 महीने पहले ही हुई थी शादी, पति को नशीला दूध पिलाकर बालकनी में साड़ी बांध भागी। बांदा में 53,13,000 रुपए से केन नदी पुल जगमगाया, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया लोकार्पण, 6 महीने पुल पहले हुआ था शिलान्यास। राधाष्टमी पर्व के इतिहास में पहली बार होंगे मथुरा के बरसाना में राधा रानी के लाइव दर्शन, मंदिर में भगवान की फोटो लेने की थी मनाही। कन्नौज में अपहरण कर चाचा भतीजे की हत्या, 2 दिन पहले खेत जाते वक्त हो गए थे लापता, काली नदी में मिले दोनों के शव। बदायूं में बिशप्त के साथ कुकर्म, वीडियो सामने आया, इस्लाम नगर कस्बा में हुई वारदात, पुलिस जता रही औरैया के थाने में धरने पर बैठी रेप पीड़िता, पुलिस की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस पर लगाया मां बेटी को भगाने का आरोप। गोंडा में घाघरा के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, बांध के आसपास गांव के ग्रामीणों को सता रहा बाढ़ का खतरा, प्रशासन भी अलर्ट। बदायूं में महिला की पीट कर हत्या, कचरा डालने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी कुनवे के बताए जा रहे। कानपुर में प्रोफेसर की छेड़छाड़ की शिकार छात्राओं का दर्द, बोली केबिन में बुलाकर कहते थे यहां कैमरा नहीं लगा है, परेशान मत हो। वकील दीप्ति चौधरी की सदस्यता निष्कासित, मेरठ बार एसोसिएशन ने बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया को भी लिखा पत्र। एक्शन में आगरा के एसएसपी प्रभाकर चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खारिज की सीएमओ की रिपोर्ट, नवजात की मौत के मामले में 3 सदस्यीय टीम 3 दिन में देगी रिपोर्ट। शामली के भूमिया खेड़ा मंदिर में फेंके गए मांस, 11 अलग अलग जगहों पर मिले टुकड़े, लोगों में आक्रोश। चित्रकूट में अवैध प्लांटिंग पर चलेगा बुलडोजर, लेआउट बिना 8 स्थानों पर की गई प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण के आदेश।
बिजनौर में 4 दिन के लिए प्रदर्शनी बंद। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन और दुकानदारों को हो रहा नुकसान। चौकीदार दंपति को डीजल डाल कर जलाने का मामला। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। 20 लाख की मांग पर अड़े। फतेहपुर में सांप काटने से किशोरी की मौत। घर के अंदर सो रही थी कोमल। कानपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आगरा के बह में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अधेड़ की आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। कपड़े डालने को लेकर हुआ था विवाद। सीतापुर में युवती की हत्या में पुलिस के हाथ खाली। 4 दिन पूर्व खेत में गला रेत कर हुई थी हत्या। 3 आरोपों की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में 2000 हेक्टर खरीफ की फसल सड़ी। किसानों को हुआ भारी नुकसान। कृषि उपनिदेशक ने की पुष्टि। हरदोई में कुश्ती में पहलवान को थप्पड़ मारना पड़ा भारी। पहले रिंग छोड़कर भागा फिर चटा दी धूल। देवरिया में मिड डे मील में बड़ी धांधली। छात्रों को नहीं मिल पा रहा भरपेट भोजन। छात्रों ने वीडियो बनाकर की शिकायत। हापुड़ पुलिस हिस्ट्री शीटर की पड़ताल में जुटी। आपराधिक व्यक्तियों पर रहेगी नजर। पुलिस कर्मियों को दिए गए निर्देश। आगरा में एसएसपी के आदेश पर सघन चेकिंग। चौराहों पर पुलिस तैनात। वारदातें रोकने के लिए जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने की हो रही पहल। अलीगढ़ पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। ग्राम सहारा खुर्द स्थित कार्तिकेय के प्राचीन मंदिर के सरोवर का किया निरीक्षण। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 10 पेटी अवैध शराब के साथ 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। खेत में काम करते समय हुआ हादसा। गाजियाबाद की रहने वाली भारतीय मूल की महिला अमेरिका में काउंटी वोट का लड़ेगी चुनाव। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया उम्मीदवार। हरदोई में नकाबपोश बदमाशों ने किशोर किया अगवा। एएसपी बोले अफवाह फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। कानपुर में लगातार दूसरे दिन बिलहौर थाना क्षेत्र के घरों में हुई चोरी। चोरों ने दिया पुलिस को खुली चुनौती। लखीमपुर खीरी 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचा मंत्री समूह। डीएम और एसपी संजीव सुमन ने पुष्प गुच्छा देकर मंत्री समूह का स्वागत किया। लखनऊ में पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। शुभम मोटर सर्विस सेंटर में चोरों ने मचाया आतंक। सोनभद्र में चक्कर आने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी के लोलार कुंड में डुबकी के लिए उमड़ा जनसैलाब। दंपतियों ने डुबकी लगाकर वंश वृद्धि की मांगा आशीर्वाद। अमेठी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। गौरीगंज कोतवाली पुलिस पर लगा हत्या का आरोप। बदायूं में बकरी को निकालने कुएं में गए युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस।
एसडीएम सीओ ने रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद सीएम ने की बैठक। चंदौली में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पंचायत सचिव ने मांगा रंगदारी, सचिव के इनकार करने पर बंद कमरे में दबंगों ने पीटा। कन्नौज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लोगों पर लगाया था मारपीट का आरोप, गिरफ्तारी के लिए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में पुलिस कर्मी द्वारा फायरिंग करने पर इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पुलिस मौजूद। लखनऊ में पुलिस पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप, बीजेपी नेता ने आलमबाग पुलिस पर लगाया रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप। श्रावस्ती में छात्र छात्राओं को खिलाई गई आयरन की गोली, स्कूल बच्चों को होने वाले रोगों के प्रति किया गया जागरूक। गैर कानूनी कामों को संरक्षण नहीं, अनैतिक मदरसों की जांच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले, इस काम के हमें मिला है जनादेश। फिरोजाबाद में बीमारियों की रोकथाम को चल रहा अभियान, कूलर और पानी से भरे बर्तनों को करा रहे खाली, डेंगू को लेकर है डर। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, पत्नी अनु से की सपा डेलीगेशन से मुलाकात, कहा पति की गलती की सजा पत्नी को क्यों। महाराजगंज में शव फेंक कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, बाइक से आए थे दो युवक, पुलिस ने शुरू की जांच। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा की करोड़ों की जमीन कुर्क, पूर्व विधायक व परिवार के नाम है प्रॉपर्टी, सुनादी कराकर गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, स्वामी जितेंद्रनाथ की याचिका पर मिली भारत सरकार को नोटिस। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान पति ने बीडीओ के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मनरेगा के काम के भुगतान में कमीशनबाजी का खेल। वाराणसी के चार पैथोलॉजी पर मुकदमा, ना रजिस्ट्रेशन था ना पैरामेडिकल स्टाफ, यहां अबॉर्शन में जा चुकी है जान। टेनी की जमानत पर अब 6 सितंबर को फैसला, प्रभात हत्याकांड में अब सजा और जमानत पर फैसला एक ही दिन। चित्रकूट में ट्रेन की चपेट में वृद्ध महिला की मौत, घर से शौच के लिए गई थी, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। कन्नौज में नाली के पास लगाए देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, बोले यह सनातन धर्म का अपमान। मेरठ में एसएसपी ने परेड में पुलिस से लगवाई दौड़, पुलिस लाइन में एसएसपी ने पुलिस को सिखाया अनुशासन का पाठ। रामपुर में शादी के 5 घंटे बाद नवविवाहिता की हत्या, दो साल के प्रेम संबंध के बाद प्रेमिका से बनी थी पत्नी, 7 महीने की थी गर्भवती। उन्नाव में 5वें दिन जारी रहा वकीलों का हड़ताल, बार अध्यक्ष बोले मुकदमा वापस नहीं लिया तो जारी रहेगा प्रदर्शन। लखनऊ में पालतू कुत्तों ने 2 मासूमों को दबोचा, हमले का सीसीटीवी फोटोज भी आया सामने, पार्क में खेलने के दौरान हुआ हादसा।
अलीगढ़ में बढ़ा लंपी का खतरा, 40 पशुओं की मौत, जिले में 4000 से ज्यादा पशु हुए संक्रमित, गांवों में बन रहे कंटेनमेंट जोन। बुलंदशहर में भाजपा सभासद और भाई पर FIR, 3 दिन पहले युवक पर हुआ था जानलेवा हमला, दोनों भाइयों पर आरोप। आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 जख्मी। पिता ने मासूम बेटी को कुएं में फेंक कर मार डाला, झांसी में पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो गुस्से में दिया घटना को अंजाम। धरौना में होमगार्ड के शराब पीने का वीडियो वायरल, पुलिस अधिकारियों ने मामले को लिया संज्ञान, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं। मैनपुरी में शाखा प्रबंधक और कैशियर पर गबन का आरोप, खाताधारकों के खाते से जालसाजी कर निकाले लाखों रुपए। फतेहपुर सड़क हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता को स्कूल छोड़कर जा रहा था घर। बच्चा चोर गैंग की जांच में 100 लोग रडार पर, हाथरस के चिकित्सक दंपति का लैपटॉप व मोबाइल फोन खंगाल रही टीम। कुशीनगर में बंटवारे की विवाद में युवक की गई जान, थाली और तवे को लेकर महिलाओं में शुरू हुआ था झगड़ा। आजमगढ़ सड़क हादसे में मृतक के परिजनों से मिले मंत्री गिरीश यादव, बोले पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। मिर्जापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव, माता बिंदवासिनी के किए दर्शन, विधायक रत्नाकर मिश्र, पूर्व मंत्री रमाशंकर रहे मौजूद। बरेली में टिनशेड गिरने से 9 दिन की बच्ची की मौत, मीरगंज में बच्ची का था नामकरण संस्कार, 12 घायल। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।